सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। सो दोस्तों, आज मैं आ चुका हूँ शिवाजी नगर एरिया में अगेन फिर से। सो दोस्तों, आज मैं जा रहा हूँ रसल मार्केट है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट मार्केट है इंडिया में, नॉट ओनली बैंगलोर, इंडिया में। सो चलिए देखते हैं रसल मार्केट कैसा है। तो आप लोगों को आज दिखाऊंगा कि कैसा है रसल मार्केट। एक्चुअली बहुत ही पुराना मार्केट है, वन स्टॉप शॉपिंग कर सकते हो वहाँ पे, सब्जी, वेजिटेबल्स, फल, फ्रूट, मीट, मटन, चिकन, एवरीथिंग वन रूप में मिलता है, तो इसीलिए काफ़ी फेमस है। तो चलिए देखते हैं कैसा है। एक्चुअली मैं अभी बाहर ही हूँ और ये शिवाजी नगर बस डिपो से बहुत नज़दीक है, आप वॉक करके आ सकते हो। तो भाई मैं हूँ अभी रसल मार्केट के ठीक सामने, एक चौक है उसका नाम है चांदनी चौक। सो मैं दिखाता हूँ चांदनी चौक 360 व्यूज, तो चारों तरफ देख लेना कैसा है। तो गाइस, आज है संडे और शाम के बज रहे 4:30। तो ये रहा मेरा लेफ्ट हैंड साइड में रसल मार्केट। चलिए अंदर जाते हैं और देखते हैं क्या है, कैसा है। मैं बहुत दिन पहले एक बार आया था, तो आज जा रहा हूँ। और बेंगलोर में यार हर जगह में अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, मतलब कोई रोड बन रही है, कुछ बन रहे हैं, तो ऐसे ही दिखेगा आपको। डस्ट थोड़ा ज़्यादा है, धूल मिट्टी ज़्यादा है। तो ये है इसका एंट्रांस। तो चलो देखते हैं अंदर कैसा है, थोड़ा सा लाइट तो हमारी। तो स्टार्टिंग में आपको दिख रहा है फल फ्रूट सब्जी, और यहाँ पे एक शॉप है, यहाँ पे जो वेजिटेबल्स है उसके सीड्स मिल जाएगा, पैकेटिंग सीड्स, पेस्टिसाइड्स और खाद वगैरह भी मिल जाएगा, आई थिंक फर्टिलाइजर खाद उसके, देखो यहाँ पे होगा जैविक खाद, ठीक है। तो चलो अंदर चलते हैं। तो चलो पहले सीधे इस गली में जाते हैं, कुछ फ्लावर दिख रहा है सामने। हाँ, यहाँ पे फ्लावर की शॉप है। तो ये है रसल मार्केट का अंदर फ्लावर मार्केट की गली, सिर्फ फ्लावर की इतना ही शॉप है कि और है सर। थोड़ा सा खाली लग रहा है मुझे, मैं सोच रहा था बहुत सारा लोग होंगे, रश होंगे, बट उतना है ही नहीं। इधर कुछ वेजिटेबल शॉप है, ऊपर की फ्लोर में भी कुछ है इस बिल्डिंग का, तो फिलहाल देखते हैं नीचे ही। तो ये है वेजिटेबल्स की शॉप, थोड़ा सा लाइट कम है, और इसके ऊपर वाले फ्लोर में भी वेजिटेबल्स की शॉप है, जहाँ पे आई थिंक अर्ली मॉर्निंग 5 से 10 बजे तक की शॉप खुलते हैं वहाँ पे। बाकी ये है वहाँ का व्यूज, बहुत ही लोग कम है, शांत है। सर ये क्या है, कौन सा पंछी है? टर्की। अच्छा, ये पाला जाता है क्या? ये पालतू है, खाते भी है? अच्छा अच्छा, तो ये शॉप किसी शॉप का है, किसी शॉप का है पर्टिकुलर शॉप? हाँ हाँ, उन लोग पाल रखे हैं, पंख सब उड़ रहे, प्यारा सा लग रहा है। थोड़ा रो के दिखाइए हमें, कैसे रोते हो, कहाँ से आया हो? ठीक है, चलो रहो, शांत रहो। तो हाँ, ऐसे तो फोटो वोटो देखा था, मैं रियल में देख लिया अभी इसको। तो ये पूरा गली फ्रूट ही दिख रहा है, फल फ्रूट के। यहाँ पे कुछ टॉयज शॉप है, ये रहा टॉयज शॉप यहाँ पे स्टार्टिंग में इस साइड पे। इन सर इधर क्रिकेट है, गली क्रिकेट है। ओके सर, भाई साहब है यहाँ पे जो गली क्रिकेट खेलने के लिए स्टैम्प वगैरह है वो ले रहा है। गंगोली का फैन है। अच्छा अच्छा, फ्रूट वाले गली है ये, अच्छा दिख रहा है, काफी लाइट है दोनों साइड। और हाँ, मैं आपको एक चीज और बता दूँ, मैं भूल गया था बताना, इस शॉप के नाम डिलीशियस करके नाम पूछोगे तो काफी फेमस है सर जी का शॉप, ड्राई फ्रूट्स के शॉप, स्पेशली डेट्स जो है इनके पास, स्पेशल कुछ डेट्स मिलते हैं जो गल्फ कंट्री से इम्पोर्ट्स होती है,
तो कभी भी इसमें इनका पास थोड़ा सा रश रहता है, स्पेशली अभी इनका पास कुछ नया स्टॉक आया है मैंने सुना कुछ दिन पहले। तो देखो यहाँ पे काफ़ी सारा लोग इसके सामने आपको दिखेगा। तो देखो ये शॉप है, काफ़ी फेमस है और यहाँ पे बहुत अलग अलग वैरायटी के डेट्स इनके पास मिलते हैं। अभी कुछ ऑफर वगैरह शायद दे रहे हैं, शायद चेंज भी हो सकता है। भी अगर आप यहाँ पे आओगे तो देखोगे ऐसे ही भीड़ और रश आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। लगभग 50 के ऊपर लोग खड़े हैं धक्के मुक्की कर रहे हैं मतलब सामान लेने के लिए। ऐसे मैं आपको शॉप का व्यूज दिखा दूँगी। ये नाम है इनका, देखते हैं ऊपर वाले फ्लोर एक बार जाते हैं। सो दोस्तों ये रहा सेकेंड फ्लोर, सेल मार्केट की जो कॉम्प्लेक्स है उसके सेकेंड फ्लोर में हूँ। फिलहाल यहाँ पे जो वेजिटेबल्स मार्केट है वो सुबह को खुलती है, मतलब सुबह उसका खरीदारी बिक्री शुरू हो जाती है अर्ली मॉर्निंग 5 o'clock और फिर 10-11 बजे तक रहता है। उसके बाद जो है वहाँ पे कुछ नहीं है अभी फिलहाल, क्योंकि अभी शाम के 4-5 बज रहे, संडे है ऊपर से, तो वहाँ पे कुछ नहीं है। और इस बिल्डिंग के बारे में मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि ये बहुत ही पुराना बिल्डिंग है। तो दोस्तों ये है रसेल मार्केट के आउटसाइड वाली गली, जो कॉम्प्लेक्स है उसका राइट हैंड साइड में आई थिंक, हाँ ये गली है। इधर भी काफ़ी सारा शॉप है, आप देख सकते हो, ग्रॉसरी शॉप और बाकी अलग अलग चीज़ों की शॉप है, नॉन वेज का चिकन का शॉप भी दिख रहा है यहाँ पे, और फिश मार्केट भी है यहाँ पे है सामने लेफ्ट हैंड साइड में। आज ही समथिंग क्या, ये एक्चुअली रसेल मार्केट का जो कॉम्प्लेक्स है उसके बाहर ही है। और पीछे इस तरफ बाकी सारे नॉनवेज का आपको दिख जाएगा, मटन के आपको दिख रहा है शायद, थोड़ा सा लाइट कम है। तो ये मटन के जो शॉप्स होती है इसी तरफ है। फिलहाल मैं अंदर नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मुझे लाइट कम हो रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है खुद का फेस भी। बाकी यहाँ पे आपको वन स्टॉप सब कुछ मिल जाएगा। तो हाँ, मैं आपको क्या बता रहे थे कि इस रसेल मार्केट के बारे में, तो मैंने आपको पहले भी शायद बताया है, इसको ब्रिटिश ने बनाया था, ब्रिटिश एरा में बना 1927 में, और इसको इनोग्रेट किया 1933 में। उस समय के म्यूनिसिपल कमिश्नर था, उनका नाम था बीटी रसेल, उन्होंने इसको इनोग्रेट किया 1933 में और उनका नाम से इस मार्केट का नाम रखा है रसेल मार्केट। और उसके बाद आपने सुना होगा 2012 में यहाँ पे कोई एक बार फायर एक्सीडेंट हो गए थे, तो उसमें कई लोगों का शॉप वगैरह भी जल गए थे। बाकी इसको अभी रिपेयरिंग की ज़रूरत है पूरा। तो ये है कुछ यहाँ का आसपास का एरिया। ये भाई साहब की सी फूड के स्टॉल है, सी फूड के स्टॉल दिख रहा है, और पता नहीं कौन से फिश है, मुझे इतना आइडिया नहीं फिश के बारे में। आपको यहाँ पे क्राफ्ट भी दिख जाएगा, ये सारा क्राफ्ट, वो लंबे फिशेस है, क्या है पता नहीं सर, क्या है, कौन से फिश होता है ये बड़े वाले, किंग फिश ना बेसिकली, वो सी फूड समुंदर में ही। अच्छा अच्छा, कैसा है सर इसका प्राइस वगैरह क्या है, कितना रुपये के जी है? 350 रुपीस के जी सर। ओके, रसेल मार्केट का यही पे जो फिश मार्केट वाला गली है यही है, इधर देखेंगे बहुत सारा फिश मार्केट मिल जाएगा, मतलब फिश का स्टॉल मिल जाएगा। चलो देखते हैं, ये रहा हाँ किंग फिश भाई साहब का, ये कौन सा फिश है सर शॉप के जैसे दिख रहा है? ये बर्कुड़ा है। बर्कुड़ा कैसा केजी है इसका? 400 रुपये, समुंदर वाला ही है ना? अच्छा, सी फिश। तो दोस्तों यहाँ पे एक भाई साहब का फिश स्टॉल है, कुछ फिश देख रहे हैं अलग अलग की। तो ऐसे तो लगभग फिश मार्केट में कुछ फिश जो है सेम एक जैसे सब जगह में ही रहता है, बट फिर भी पूछते हैं भाई साहब से, ये कौन सी वाली फिश है सर, वो लंबे वाले? वो आके माई माई बोलता है, माई माई। अच्छा, ये वाले पॉम्पलेट है, ब्लैक पॉम्पलेट, पर किलो 600 है। 600 सबसे महंगी कौन सी है सर फिश में? यहाँ आके सुरमई है, सुरमई एक फिश। तो कितना रुपए किलो आता है सर वो? 1000 रुपीज। अच्छा अच्छा, ये
800। और बाकी रोहू कतला का क्या प्राइस चल रहा है सर अभी? 140 ना। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू। सी प्रॉन्स है। अच्छा क्या डिफरेंस होता है सर नॉर्मल प्रॉन्स और सी प्रॉन्स में? सी प्रॉन्स तो बहुत हेल्दी आइटम है। हेल्दी आइटम है, दूसरा जो फॉर्म में जो प्रोडक्शन होता है वो अच्छा बच्चों के लिए ठीक नहीं है। अच्छा अच्छा वो ठीक है। अच्छा तो भाई हम आ चुके हैं मछली मार्केट में। मछली मार्केट में आएंगे तो मच्छी रहेगा, मच्छी जहाँ पे रहेगा पानी भी वहीं पे रहेगा। तो नीचे पानी बह रहा है। हाँ लगभग इधर शॉप सारे क्लोज हो चुका है। सो गाइस ये था मेरा पीछे जहाँ पे पेट मिलते हैं। आपको अगर पेट वगैरह परचेस करना है तो पीछे ही है, ये लेफ्ट साइड में आपको रसल मार्केट है। आपके रसल मार्केट से थोड़ा ही दूर में ही है, आप यहाँ पर आ सकते हो। आपको अगर कोई पेट लेना है, मैं अंदर जाके आ गया देख के, कोई खास जो है फीसेस मुझे नहीं दिखा तो मैंने रिकॉर्ड नहीं की। और मामूली जो रहते हैं ऑलमोस्ट सब जगह में नॉर्मल शॉप में, वो सब देखा चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ अरे रास्ता तो ठीक करवा लो यार, रास्ते में जितना गड्ढा रहता है उतना जिंदगी में मजा है। रास्ता साफ रहेगा तो कोई भी फिसल के चल जाएगा। वो तो हो गया एक जोक, बट एक्चुअल में बहुत ही खराब। हाँ नहीं काम चल रहा है ना, बाकी हम चल रहे इसी में। तो आज मैं चलता हूँ, देखता हूँ शिवाजी नगर का एरिया पे। और ऐसे तो बहुत बड़ा एरिया है, एक दिन में घुमा नहीं जा सकता, तो मैं आगे आके आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे दोनों तरफ ना बड़े बड़े जो फ्रूट्स के स्टॉल है, कटिंग फ्रूट्स, वाटरमेलन, पपाया सेल हो रही है, क्योंकि अभी रमजान के सीजन चल रहा है ना, तो बहुत सारे लोग शाम को खाना पसंद करते हैं फ्रूट। सर्कल का नाम क्या है सर? एसकेपी रोड सर्कल। और यार काफी अच्छा लग रहा है यार, वेदर बहुत अच्छा है अभी। क्या नाम है तुम्हारा? जवाज खान। स्कूल जाते हो कि नहीं भाई? दो भी करते हैं। अरे यार लकड़ी का शॉप है इधर एक बड़ा सा। ड्राई फ्रूट्स है यार इधर भी, ड्राई फ्रूट्स। हाँ ये शॉप के नाम, ऐसे तो रसल मार्केट के अंदर एक शॉप था ना डिलीशियस करके, तो उसमें मुझे ड्राई फ्रूट लेना था तो मैंने जाके वापस आ गया। बहुत भीड़ था उधर, बाकी ड्राई फ्रूट इधर भी मिल रहे हैं। इस गली में भी कई शॉप है जहाँ पे ड्राई फ्रूट्स मिल रहे हैं, कपड़े का भी शॉप है।